सो वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विस्डम ये हमारा इसी चैप्टर का मतलब चैप्टर वन का ही नेक्स्ट पार्ट होगा जो आज ही रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपको मिलेगा बाद में ठीक है सो आज हम क्या करेंगे इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको क्या करा दिया देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं ना ये, ये सब हमने कर लिया है ठीक है ये सब हमने कर लिया है इससे पहले वाले क्लास में तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं आज के क्लास में हम करने वाले हैं स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम ओके सो तो आपको पता है जैसा कि हम बी एम का आ, कोर्स जो है धीरे धीरे यूट्यूब पर ला रहे हैं बी बि, कॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स आप लोगों में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए जरूर ज्वाइन करो ठीक है बहुत अच्छा से क्लास चल रहा है और नहीं तो आप यूट्यूब पर ही कर सकते हो यूट्यूब पर अप्रोसीमेटली हम हर एक चैप्टर का हो सके तो थर्टी मार्क्स तक का जो है कवर तो जरूर कर ही लेंगे ठीक है और उसके आगे का पता नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बुक की तरफ बुक में आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज ट्वेंटी सिक्सटी फोर आपको क्या दिया गया है आपको दो नंबर बोला है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज सिक्सटी फोर ओके सो मैं ऐसे एक बार लिख देता हूं फाइंड द टू नंबर्स जिसका सम सम कितना है सिक्सटी फोर दिया हुआ है ठीक है और क्या बोला है एंड हुज डिफरेंस इज सिक्सटीन और साथ में उसका जो डिफरेंस है कितना आपको दिया हुआ है सिक्सटीन दिया हुआ है ठीक है आपको ऐसा दो नंबर निकालना है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आप चाहो तो लेने इक्वेशन टू वेरिएबल वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वहाँ से भी सॉल्व होता है ठीक है उसके लिए क्या करना होगा आपको आपको इक्वेशन क्वेश्चन बना है ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना सोलह आता है सॉल्व करने आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है सेमल्टेनियस इक्वेशन बट बट अभी हमने इसको कौन से <laughs> मतलब तरीके से सॉल्व करेंगे हम हम इसको सॉल्व करेंगे अभी एक वेरिएबल वाले तरीके से मतलब लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन वन वेरिएबल जो होता है उससे हमको इसे सॉल्व करना है तो जब भी ऐसा बोले कि सम ऑफ टू नंबर इज दिस मच तो आपको क्या करना है मान लेना है कि ये मान लो नंबर है एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है कितना है सिक्सटी फोर है सम ठीक है हमें दो नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे एक नंबर को यहाँ से यहाँ तक तो हम मान लेते हैं एक्स के चलो ऐसे समझो कि आपका घर है या आपके दोस्त का घर है दोनों के बीच का दूरी हो कितना है सिक्सटी मीटर का है ठीक है अब इस बीच में कोई एक शॉप है हाँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा तो इसको ऐसे समझना मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना था दस था ये मान लो अगर x है तो ये कितना होगा दस में से x कम हो जाएगा है ना पूरा कितना था दस था x यहाँ से यहाँ तक था तो ये कितना हो जाएगा दस में से x कम मतलब कितना होगा टेन माइनस एक्स यही होगा ना वैसे ये कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला पोर्सन सिक्सटी फोर माइनस एक्स और ये कितना हो गया एक्स अब हम अगर चेक करें एक्स प्लस सिक्सटी फोर माइनस एक्स दोनों को सम अगर लेते हैं तो कितना आएगा देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा आंसर कितना होगा सिक्सटी फोर ठीक है तो सम सिक्सटी फोर इसी इक्वेशन से ही हमें इस्टेब्लिश हो गया है ना अब हमें क्या करना है इसी चीज़ को हमें अब सेंटेंस में लिखना है ना तो दो नंबर क्या क्या होगा अभी हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी पहला क्या होगा एक्स एंड जो अदर नंबर हो, क्या होगा ओके, okay. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है पहला के हिसाब से तो हमने इक्वेशन ही बना लिया ना तो हमें सिर्फ दूसरे के हिसाब से इक्वेशन बनाना है दोनों का डिफरेंस कितना है सोलह का तो आप लिखो x माइनस सिक्सटी फोर माइनस एक्स वैल्यू कितना है सिक्सटीन सॉल्व करेंगे तो कितना होगा x माइनस सिक्सटी फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन दैट इज एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सिक्सटीन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो सिक्सटीन ये तो तो कितना हो गया सत्तर अस्सी तो टू एक्स का वैल्यू एट्टी है तो एक्स वैल्यू कितना होगा सर फोर्टी हो जाएगा है ना तो अगर एक्स का वैल्यू फोर्टी है तो हम जान सकते हैं दे आर फोर फर्स्ट नंबर कितना है हमारा फोर्टी होगा और जो सेकेंड नंबर होगा वो कितना होगा हमारा इस फोर्टी से सिक्सटी फोर माइनस एक्स मतलब सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी है ना सॉल्व कर देते हैं कितना होगा ये होगा ट्वेंटी फोर अब चेक करो इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है सिक्सटी फोर आ रहा है और दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं मतलब 40 माइनस ट्वेंटी अगर हम करते हैं तो कितना आएगा सर 16 आ जाएगा बोलो क्लियर होगा आसान सा क्वेश्चन था है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ होता तो और अच्छा होता बट मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन है आपके पास में क्या है इन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वन थर्ड ऑफ द लार्जर एक्सीड्स वन फोर्थ ऑफ द स्मॉलर बाई थ्री दो कंसेक्यूटिव नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना वन टू थ्री फोर फाइव क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर कहीं से उठा सकते हो आप ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टी ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन हाँ टेन इलेवन टूएल्व नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री कुछ भी पकड़ सकते हो तो अगर हम पहले वैल्यू को अगर हम एक्स पकड़ते हैं तो अगला जो वैल्यू होगा व्यक्ति एक्स प्लस वन होगा उसके बाद आगे वैल्यू का एक्स प्लस टू होगा कॉन्जिक्यूटिव में है ना अब यहाँ पे इवन ओड का लफड़ा है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा हाँ बस यहाँ क्या टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बोला है ना अगर ऐसा बोलता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो वहाँ पे हम दो दो करके बढ़ाते हैं हाँ <coughs> अभी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो हम हमने क्या किया हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x और x प्लस वन तो हम लिख देते हैं लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी क्या क्या एक्स एंड एक्स प्लस वन ओके अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला हो देखो अब हमें स्मॉलर बाई थ्री वन थर्ड ऑफ द लार्जर अब इन दोनों में लार्जर कौन होगा अगर वन है तो ये लार्जर होगा है ना सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन थर्ड ऑफ द लार्जर ओके एक्सीट्स एक्सिट्स मतलब बड़ा हो जाता है ना फाइव सेवन से फाइव सेवन फाइव से दो बना है तो सेवन एक्सिड्स फाइव बाई टू सेंटेंस ऐसा बनेगा ना तो इट एक्सिड्स वन फोर्थ ऑफ द स्मॉलर बाई थ्री ठीक है वन थर्ड ऑफ द लार्जर स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे वन थर्ड ऑफ द लार्जर एक्सिड्स वन फोर्थ ऑफ द स्मॉलर वन थर्ड ऑफ द लार्जर एक्सिड्स वन फोर्थ वन बाई फोर ऑफ द स्मॉलर एक्स बाई थ्री ठीक है अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करें कितना होगा वन बाई थ्री एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वन बाई थ्री होगा माइनस वन बाई फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स एक्स वाले को इस साइड रख लो तो कितना होगा वन बाई थ्री एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स इज इक्वल टू ये इधर में प्लस हो जाएगा माइनस सो थ्री वन बाई थ्री आ गया आपका इधर होगा ट्वेल्व थ्री फोर या मतलब फोर एक्स फोर थ्री ट्वेल्व मतलब थ्री एक्स ये होगा आपका कितना थ्री 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 या नाइन माइनस वन ये हो गया कितना एट बाई थ्री और ये कितना हो गया एक्स बाई ट्व है ना तो सॉल्व कर देते हैं इसको हम लोग कितना X इज इक्वल टू एट इंटू टूल्व बाई थ्री ना इसको उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई ना ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया तो ये थ्री फोर जा ट्वेल्व मतलब ट्वेंटी फोर आ रहा है ठीक है तो एक नंबर है ट्वेंटी फोर अगला नंबर क्या होगा ट्वेंटी फोर प्लस वन ना सो देर फोर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव ठीक है अब हमें अगर क्वेश्चन को मिलाना है कि बात सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्या बोला गया था इक्वेशन में क्या बोला था वन थर्ड ऑफ द लार्जर ना सो so, देखो वन थर्ड वन बाई थर्ड ऑफ लार्जर मतलब ट्वेंटी फाइव एक्सीड्स वन फोर्थ ऑफ द स्मॉलर ठीक है अब सॉल्व कर देंगे थ्री आता है कि नहीं तो ये कितना होगा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री माइनस कितना होगा छः ना वन थर्ड ऑफ द लार्जर वन फोर्थ ऑफ द स्मॉलर ठीक है और गड़बड़ हो गया यहाँ पे एट फोर जा थर्टी टू होता है ना मैंने चौबीस लिख दिया एट फोर जी लिखना थर, सॉरी थर्टी टू ये होगा थर्टी टू अगर ये थर्टी टू होगा तो ये कितना होगा थर्टी थ्री होगा है ना अच्छा तो एक क्वेश्चन में गलती हो गया वन थर्ड ऑफ थर्टी टू माइनस थर्टी थ्री थर्टी थ्री माइनस वन फोर्थ ऑफ थर्टी टू सॉल्व करते हैं इसको ये हो गया ग्यारह माइनस आठ डिफ्रेंस कितना आएगा सर थ्री का ठीक है देख लो एक बार अच्छा से समझ में आया नहीं आया समय की कमी है सोचा था जितना वैसा हुआ नहीं कुछ चलिए एक और सम देख लेते हैं लास्ट आज के लिए इतना ही रखेंगे और एक दो क्वेश्चन आप भी ट्राई कर लेना कर पाओगे आराम से उतना टफ नहीं है क्या बोला गया है देखो बोला गया है टू द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल मतलब ए और बी दोनों का जो सैलरी है टोटल कितना है बराबर है ठीक है उसके तो क्या बोला है इफ़ ए गेट सिक्सटी अलाउंस ऑफ इज बेसिक पे उसका जो भी बेसिक पे होता है उसका क्या मिलता है उसको सिक्सटी अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ठीक है अपने लिए बोनस वोनस कुछ भी पकड़ लो और बी को क्या मिलता है 80 परसेंट अलावेंस मिलता है उसके बेसिक पे का ठीक है अगर बी का जो है व्हाट विल इज द बेसिक पे ऑफ ए इफ द बेसिक पे ऑफ बी इज 1100? ठीक है सो देखो पहले क्या बोला है हमें बोला गया है सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू सैलरी ऑफ बी सैलरी ऑफ बी दोनों का बराबर है ना हम पहले मान लेते हैं कि इसका जो सैलरी है लेट द सैलरी ऑफ पहले किसका दिया गया A ए का या बी का ए का दिया गया ना सो so, ए का हम मान लेते हैं लेट द सैलरी ऑफ ए बी कितना x ठीक है बी का तो हमें ऑलरेडी right दिया हुआ है इलेवन हंड्रेड है ना तो सैलरी ऑफ ए कितना अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है कि 65 फाइव मतलब ए को क्या मिलता है ए को मिलता है 65 फाइव परसेंट का अलावेंस मतलब ए को पहले तो उसका सैलरी मिल ही रहा है ठीक है जो भी सैलरी मिल ही रहा है प्लस सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ कितना उसी एक्स का इसके ऊपर ही उसको मिल रहा है ना जैसे मान लो कैसे होता है मान लो मेरा सैलरी है दस हज़ार हमको ट्वेंटी परसेंट एलेवेंस मिला तो दस हज़ार और दस हज़ार का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा दो हज़ार मुझे टोटल कितना मिला बारह हज़ार वैसे ए को कितना मिला एक्स मिला पहले और सिक्सटी फाइव परसेंट एक्स उसको एक्स्ट्रा से मिल रहा है बी को कितना मिल रहा है सर बी को मिल रहा है एलेवन थाउजेंड ना एलेवन हंड्रेड एलेवन हंड्रेड है तो एलेवेन हंड्रेड प्लस एट्टी परसेंट ऑफ एलेवन हंड्रेड ऑफ एलेवन हंड्रेड सॉल्व कर देंगे इसको तो कितना होगा एक्स प्लस सिक्सटी फाइव बाई हंड्रेड परसेंटेज में कन्वर्ट किया इन टू एक्स इज इक्वल टू एलेवन हंड्रेड प्लस एट्टी परसेंट ऑफ एलेवन हंड्रेड तो एट्टी बाई हंड्रेड इंटू एलेवन हंड्रेड ठीक है अब जो लोग मेरे से बी एम वाला क्लास किया था एफ ए वाला क्लास किया था उन लोगों को मैंने बताया था कि परसेंटेज निकालने के लिए पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अभी के लिए हम आपको दो जीरो दो जो कैंसिल हो गया कितना होगा एट एट ज़ीरो ठीक है प्लस वन वन जीरो डबल जीरो और ये होगा आपका कितना दोनों कैल्सियम होगा हंड्रेड ये हो जाएगा हंड्रेड एक्स और ये हो जाएगा सिक्सटी फाइव ना तो ये कितना हो गया वन सिक्सटी फाइव एक्स बाई हंड्रेड इज इक्वल टू कितना नाइन वन नाइन एट जीरो ना तो एक्स इज इक्वल टू वन नाइन एट जीरो इन टू हंड्रेड बाई वन सिक्सटी फाइव ओके अब इसको आप सॉल्व कर लो तो किस नंबर से कट रहा है ये न थ्री से सब कट रहा है तो थ्री से काटते हैं थ्री से सिक्स बार में और थ्री से सिक्स बार में सिक्स सिक्सटी थ्री के टेबल में फाइव तो बार में और फिर फाइव बार में फिर एलेवन के टेबल में फाइव बार में एलेवन के टेबल में सिक्स बार में ना तो ये और ये हो गया बारह बार में तो ये टोटल तो, आप कार्टकूट खुद से कर लेना वन टू डबल ज़ीरो मुझे लग रहा है बारह सौ इसका आंसर होना चाहिए चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर ठीक है चार का बारह सौ ठीक है एक कैंसिल आउट आप खुद से कर लेना ओके ये हमेशा खुद से ही करना चाहिए किसी को देख के कॉपी नहीं करना चाहिए सो so, इस तरह से हमने तीन क्वेश्चन किया है आज के लिए इतना ही रहने देंगे क्योंकि मेरा जो क्लास का टाइमिंग है वह हो रखा है तो अब आ ही जाएंगे सब और बीच क्लास में डिस्टर्ब होना नहीं चाहता सो so, अपने तरफ से मैं समझूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है आपका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सैमल्टेनियस इक्वेशन ओके आपका कुछ डिमांड हो तो नीचे कमेंट करना और बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन करो ज़्यादा लेट मत को लेट करोगे तो फिर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्वालिटी सेम ही रहेगा बट वही है कि लाइव क्लास में क्या होता है आपका डाउट क्लियर कर पाता हूँ मैं ठीक है चलो बाय मिलते हैं अगले क्लास में एंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक ठीक है बाय